खेल खेल में आज फिर नदी की तेज धार ने एक और बच्चे को निगल लिया। कदमा के रहने वाले 17 वर्षीय सौरभ कुमार राय नहाने के दौरान नदी में डूब गया। जिसको स्कूल के छात्र रह चुके 17 वर्षीय सौरभ कुमार राय की दो मुहाने के पास नदी में डूब जाने से मौत हो गई। नहाने के दौरान वो नदी की तेज धार में खेल रहा था कि अचानक वो धार में बहने लगा। तभी उसके साथियों ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया पर वे असफल रहे। समाचार लिखे जाने तक गोताखोरों द्वारा शव की तलाश की जा रही थी। घटना की सूचना क्षेत्र में जंगल में आग की तरह फैल गई। ये सौरभ कुमार राय नाम का एक लड़का है जो रामनगर कदमा का रहने वाला है। उम्र 17 वर्ष है। वो आज 12 बजे लगभग स्नान करने आया था अपने चार साथी के साथ। उसमें दो नीचे उतरा और पानी में और दो ऊपर ही रहा। उसमें से एक लड़का डूब गया। दूसरा लड़का बचाने का प्रयास किया परंतु वो भी डूबने लगा तो एक तीसरा व्यक्ति एक को बचा पाया और एक लड़का सौरभ डूब गया। कहाँ का रहने वाला है लड़का? ये रामनगर कदमा का। पढ़ाई करता था? स्टूडेंट तो होगा ही, उम्र 17 वर्ष है तो। और इसकी माँ टीचर है। हमको कहाँ टीचर है ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन जिस समय उनको सूचना मिली उसमें डीसी ऑफिस में उनका मीटिंग चल रहा है। तो अभी क्या प्रयास चल रहा है? अभी तो वो हम लोग वहाँ का भी गोताखोर आ रहा है और यहाँ का गोताखोर पहुँच गया है लोकल, और इसको का गोताखोर आ रहा है और हम लोग इसको निकालने का प्रयास करें। उम्मीद है कि एक घंटा के अंदर निकल जाएगा। पुराने मतदाता पहचान पत्र को दुरुस्त करने की प्रक्रिया एसडीओ के आदेश पर जिले में चल रहा है। इसी के तहत बीएलओ द्वारा सुपरवाइजर को जमा किए गए प्रमाण पत्रों की जांच की गई। 1995 में बने मतदाता पहचान पत्रों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। बूथ लेवल ऑफिसर इस काम में लगे हैं, साथ ही साथ एक्सटेंशन का काम भी चल रहा है। जिन बूथों पर मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां यूनिट एक्सटेंशन किया जाएगा। एसडीओ के आदेश के तहत बीएलओ और सुपरवाइजर इस काम में युद्ध स्तर पर लग गए हैं। ये चुनाव आयोग के यहाँ से आदेशानुसार जिला में वोटर मतदाता सूची में 1400 से संख्या से अधिक हो चुका है उन लोगों के लिए अनुमंडल पदाधिकारी धार्मिक के आदेशानुसार सुपरवाइजर प्रतिनियुक्त किया गया और सुपरवाइजर के माध्यम से मतदान केंद्र के जो बीएलओ हैं उनको बुलाकर यह जानकारी दी गई कि जितने भी बीआर 50 1995 में जिनका मतदाता वोटर कार्ड बना हुआ था वह वोटर कार्ड वर्तमान समय 2016 में इतना धुंधला हो चुका है जो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके कारण बीआर 50 वाले जितने भी जो हैं कार्डधारी उनको बीएलओ के माध्यम से फॉरम 8 नंबर फॉरम में फोटो लेकर और वह सभी से लिया जा रहा है फील्ड में जाकर ताकि उन लोगों को नया पहचान पत्र दिया जाए। एक ओर रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रेलवे लैंड विभाग द्वारा ही मिली भगत से रेलवे की जमीन को कब्जा किया जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता ने इस घटना की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एक ओर रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त किया जा रहा है, वहीं कुछ रेलवे कर्मचारियों और पदाधिकारियों की मिलीभगत से रेलवे की जमीन को कब्जा कर आलीशान भवन बना दिया गया है और साउथ ईस्टर्न मेंस कांग्रेस के तत्वावधान में इस भवन का संचालन हो रहा है। जो किराया आ रहा है उसे भी निजी स्वार्थ में ही खर्च किया जा रहा है। सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई कार्यकर्ता कमलेश कुमार ने सारी जानकारी हासिल की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया है। ये बताना चाहते हैं कि टाटा नगर रेलवे स्टेशन के समीप जो रेलवे मेंस कांग्रेस के तरफ से अवैध अतिक्रमण करके रेलवे की जमीन पर अक्षय भवन बनाया गया है और उसमें पानी बिजली सारा लिया जा रहा है, फैसिलिटी भाड़ा उठाया जा रहा है और स्थानीय रेल प्रशासन से लेकर चकधरपुर मंडल तक सारे अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। जो आज वह अतिक्रमण हुआ उसको आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये आरटीआई से उजागर हुआ है कि ये सारा अवैध निर्माण है और जबकि बराबर जो है रेल प्रशासन अभियान चलाती है और गरीब गुरबों को ही हटवाती है और इतना बड़ा आलीशान भवन बना हुआ इसके ऊपर कभी अभियान नहीं चला, ना ही किसी अधिकारी के द्वारा इसके ऊपर संज्ञान लिया गया, जबकि सारे लोगों के निगाह पर ये बात आ गई है कि अवैध निर्माण हुआ
इसीलिए हम आज प्रेस के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं और माननीय रेल मंत्री से भी हम आग्रह करेंगे कि इस पर जो है कार्रवाई हो।